अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ऑफिस आया हूं और आप मेरी शक्ल से भी देख रहे होंगे कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूं। वजह यह है कि मुझे कोरोना हो गया था और कोरोना की वजह से जो मैंने फील किया आज उसको शेयर करना है। पहली बात तो ये है कि अब कोरोना एक ऐसी बीमारी बन चुकी है कि जिसमें से हर पाकिस्तानी को गुजरना है। अब इसमें से कोई बच नहीं सकेगा, क्योंकि जितनी इसकी प्रोपोगेशन हो चुकी है, हर दूसरा बंदा लाहौर में इन्फेक्टेड है, शायद इससे भी ज्यादा हूं। लेकिन क्योंकि हम घरों में दबाए रखते हैं और बताते नहीं है, और हर बंदा इस खुशफहमी में मुब्तला होता है कि मुझे कोरोना नहीं है बल्कि मौसमी बुखार है, और मेरा जो गला खराब है ये तो आम रूटीन की बात है, या मैं जो अगर कमजोरी फील कर रहा हूँ तो बुखार में कमजोरी तो होती है, लेकिन मुझे कोरोना नहीं है। यानी वो दुनिया की हर बीमारी अपने जिम्मे लेने को तैयार है, लेकिन कोरोना नहीं लेने को तैयार, हालांकि वो कोरोना ही होता है। मैं पहले तो कुछ अलामात आपको बता देता हूँ कि एक तो यह है कि आपको हल्का बुखार होता है, आप 99.2, 99.6 तक आपको बुखार रहेगा, लेकिन आपके सर में शदीद दर्द होगा। अब सर में दर्द होता क्यों है, यानी जरा इसकी मैंने फिर इसे डॉक्टर था तो मैंने इस पे तहकीक शुरू कर दी। तो सर में दर्द इसलिए होता है कि आपके हेड को, यानी ब्लड में जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो पूरी सप्लाई जब दिमाग को नहीं जाती तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। इसी तरीके से आपके जिस्म के बाकी हिस्सों में भी ऑक्सीजन की मुस्तकिल सप्लाई चाहिए। अब जब आपके मसल्स में सप्लाई कम हो जाती है तो मसल में दर्द शुरू हो जाती है, टांगों में दर्द, आपके बाजू में दर्द, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें आपकी एक जिस्म पूरी तरीके से दर्द में मुब्तला हो जाता है। अब कुछ लोगों को यहाँ पे ये है कि जिनके लंग्स स्ट्रांग होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी कुछ बेहतर होती है तो वो उनको अलामात जरा माइल्ड किस्म की होती हैं, या जो लोग पहले स्पोर्ट्समैन रहे हैं या कोई इस तरह के जिनका मसल्स अच्छे तरीके से बिल्ड हुए हैं तो वो इसमें आप ज्यादा अच्छे तरीके से गुजर जाते हैं और उनको इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज के आदी नहीं है या जिन्होंने ज्यादा एक्सरसाइज पहले नहीं की, अच्छा बिल्डअप नहीं हुआ लंग्स उनका, या एस्थमेटिक हैं खास तौर पे, उनके लिए बहुत खतरनाक है ये। सिक्स बायोफ्लॉक ट्रेनिंग मोरखा 8 और 9 मई को लाहौर में मुनक्कद हो रही है। फीस 7,000 बमा अफतारी, रिहाइश महदूद है। खसूसियात, इस ट्रेनिंग में बायोफ्लॉक मुकम्मल श्रिम्प फार्मिंग और फिश हिचरी की तरतीब दी जाएगी। असनाद की तकसीम आखिरी दिन होगी। अब इसमें एक और बहुत जरूरी है कि मुझे हैरानगी ये है कि गवर्नमेंट जो टेस्ट करती है वो अगर आज आप टेस्ट दे के आए तो 3-4 दिन के बाद जाके वो आपको रिजल्ट दे रहे हैं, और कई जगह पे हफ्ता हफ्ता गुजर जाता है। तो जब तक टेस्ट की रिपोर्ट आती है या बंदा गुजर चुका होता है और या बंदा ठीक हो चुका होता है, तो उस टेस्ट का फायदा क्या कि जो इतना डिले मिले, हालांकि टेस्ट तो 2-3 घंटों में आ जाना चाहिए इसकी रिपोर्ट, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और एक टेस्ट के अगेंस्ट 8,000 रुपया चार्ज किया जाता है, हालांकि टेस्ट जो है ये, मैंने फिर अपना टेस्ट जो है वो वेटनरी यूनिवर्सिटी से करवाया और वहां पे ये टेस्ट मेरा फ्री हुआ। यानी एक मैं पहले भी अक्सर कहता हूं कि इंसान जो है वो तो डॉक्टर खास तौर पे जिबा करने के लिए बैठे हुए हैं कि एक बंदा कोरोना में मुब्तला है, गरीब आदमी है, उसका वो आप बजाय इसके के फ्री करते, उसकी कुछ हेल्प करते, आप 8,000 रुपया मांग रहे हैं, और वो ही टेस्ट जानवरों में फ्री हो रहा है, यानी वेटनरी यूनिवर्सिटी वाले फ्री कर रहे हैं। तो खैर,
असल खिदमत तो वो कर रहे हैं वेटनरी डॉक्टर, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये शोभा वेटनरी वालों को दे दें, आज कंट्रोल हो जाएगा, बाकी सारे तो सिर्फ इसको बिजनेस बना के बैठे हुए हैं। अब जब मैं वहां गया तो बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल, बड़े अच्छे उसके सारे मैयर सारे थे और उन्होंने ये टेस्ट किया। बाकी जहां पे आप चले जाएं, यानी मिनिमम भी है कोई, मुझे पता चला कि बैरियर टाउन के पास कोई हॉस्पिटल है जो इसको बहुत सस्ता कर रहा है और वो इसके 3500 रुपए लेता है, तो लोग इतनी दूर दूर से वहां पहुंच रहे थे, हालांकि इस पे कितने खर्चात आते हैं। यानी वेलफेयर स्टेट मदीना की स्टेट हो और 8000 का सिर्फ टेस्ट हो। अब इससे चलें, खैर ये तो एक बात की बात है। इसमें आगे क्या होता है कि आपकी जो पहले 7 दिन में आपके अंदर एक भौंचाल आता है, आपके दर्द बुखार आहिस्ता आहिस्ता, सबसे बढ़कर ये कि आपकी एनर्जी कम हो जाती है, यानी वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। अब वीकनेस क्यों ज्यादा हो जाती है, उसकी भी वो कोरिलेट करती है ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो सेल जो है वो एनर्जी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, कार्बोहाइड्रेट्स को, उस यानी आप एनर्जी लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से, तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो डीकम्पोज करता है वो ऑक्सीजन करती है जो ब्लड से जाती है। जब ऑक्सीजन की मिकदार ब्लड में कम हो जाती है तो वो उन कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ फोड़ नहीं सकती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन को एज एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, क्योंकि अल्टरनेट उसने जिंदा था और रहना है ना, तो वो प्रोटीन को तोड़ती है। जब प्रोटीन को तोड़ती है तो टेम्परेचर अप होता है, क्योंकि प्रोटीन जब भी टूटती है तो वो इन्वायरमेंट टेम्परेचर को अप करती है, उसमें से एनर्जी लिबरेट होती है। जैसे कि आप प्रोटीन मछली खा लें तो प्रोटीन ज्यादा होती है उसमें, तो उसके बाद आपको गर्मी लगती है और आपकी बॉडी टेम्परेचर राइज करने की कोशिश करता है, जिसके बाद पानी पी के आप उसको कूल डाउन करते हैं। तो ये चीज जो है एक थी इसमें। अब इसका जो इलाज क्या है, यानी सपोर्टिव थेरेपी जिसको कहते हैं, कि जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, एक तो जो मैंने किया और मैं सक्सेसफुली इसमें से निकल गया और कोई मुझे खास नुकसान भी नहीं हुआ सिवाय कमजोरी के, बाकी मुझे कोई ना खांसी हुई ना कुछ और हुआ, हल्की फुल्की कोई खांसी हुई हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैं रेस्टलेसनेस फील करता। हाँ दर्द जरूर हो रहा था, सर दर्द भी हो रहा था, तो मैंने फिर क्या किया, मैंने एक तो वाइटामिन डी का रेगुलर इस्तेमाल किया। वाइटामिन डी मत छोड़ें, वो रेगुलर इस्तेमाल करें। साथ मैंने कैल्शियम की च्यूइंग टेबलेट्स जो हैं वो मैंने लेनी शुरू कर दी डेली एक, और उसके अलावा जो है मैंने कुछ वाइटामिन्स रखे हुए थे वो मैं लेता गया। लेकिन मैंने जो है जब सर दर्द होने तो मैंने सिर्फ डिस्प्रीन का इस्तेमाल किया, मैंने कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं की। रीजन ये थी कि क्योंकि वायरस पे एंटीबायोटिक का कोई असर ही नहीं है, तो कई दफा आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करके और ज्यादा बॉडी को स्ट्रेस में डाल देते हैं, क्योंकि उसका अपना एक मेटाबॉलिज्म होता है, वो आपके लीवर में जाती है और काफी सारी उसकी कॉम्प्लिकेशन और हो सकती है। इसलिए मैंने एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि मुझे इस बात का बीइंग ए डॉक्टर इल्म था कि एंटीबायोटिक का वायरस पे तो असर है नहीं, तो लिहाजा कोई खास जरूरत नहीं है इसकी। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो भी, हाँ एक चीज और थी जो कि आपको शायद कोई ना बताता हो कि इसमें आपका मेरा जाती तौर पे बीपी शूट कर गया। मेरा बीपी हमेशा 120 और 80 ही रहता था, और लोग कहते थे कि तुम खुशकिस्मत हो के 55 साल के हो गए हो और तुम्हारा बीपी बिल्कुल अकुरेट आता है, तो लेकिन इस बीमारी में मेरा बीपी 140 हो गया और जो है नीचे वाला लेवल जो है वो 90 को टच कर गया। अब मैं हैरान था कि ये बीपी का इसके साथ क्या तल्लक है, लेकिन बहरहाल कोई तल्लक था। और वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे मैं रिकवर होता गया बीपी अपनी नॉर्मल जगह पे आता गया,
आपकी जो हार्ट बीट है वो भी 90 को टच कर गई जाती है, मेरी भी टच कर गई, और 90 के बाद 85 पे आ गई, फिर 85 के बाद 80 पे आ गई, और अब आके वो 72 पे है। यानी मेरी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर जो है वो अब नॉर्मल हुए। और उसके बाद एक और इंडिकेशन ये है कि जब आप रिकवरी कर रहे होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि आप रिकवर कर रहे हैं, आपकी सूंघने की ताकत 11वें दिन से बहाल हो जाती है। और आपको, मैं परफ्यूम लगाता था लेकिन मुझे परफ्यूम का पता ही नहीं था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।